इस लेक्चर में हम टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड यह हमारा लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम टेलीस्कोप को जो है वो समझेंगे कि टेलीस्कोप क्या है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। हमें अपनी ज़िंदगी में अक्सर रात में, अगर आप किसी खुले मैदान में मौजूद हों तो आपने आसमान की तरफ देखा हो और बादल वगैरह ना हो तो आपको चमकते हुए सितारे और सियारे जो हैं वो नज़र आते हैं। अब ये सारे चमकते हुए सितारे और सियारे जो हैं ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में नज़र आते हैं, तो इस वजह से हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील से देख नहीं सकते कि ये एक्चुअल में किस किस्म के हैं और ये सियारा है या सितारा है, तो ये सारी चीज़ें फ़र्क करना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इनको बड़ा कर सकें, मैग्नीफाई कर सकें, तो हम इनको देख सकते हैं कि इनकी सरफेस कैसी है और ये किस तरह के नज़र आते हैं। पहला जो सबसे कॉमन चीज़ जो रात में हमें नज़र आती है वो है मून, यानी चांद। तो चांद बज़ाहिर देखने में तो एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट नज़र आता है, जो कि अगर मुकम्मल चांद हो तो वो पूरा एक सर्कल की तरह की एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है जो चमक रहा होता है। लेकिन अगर हम उस चांद को देखें तो हमें उसकी सरफेस नज़र आ सकती है अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखें। तो टेलीस्कोप जो है वो हमें इस तरह दूर के ऑब्जेक्ट्स जो कि वो हमसे बहुत दूर हैं, हमारी ज़मीन से बाहर हैं लेकिन हमारे निज़ाम शमसी के अंदर मौजूद हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे निज़ाम शमसी से बाहर भी हैं। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह से देखते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हमारी दुनिया यानी ज़मीन से बाहर की दूसरे सियारों और सितारों को देखने में मदद करता है। अब टेलीस्कोप जो हैं वो दो तरह की होती हैं। हमने अभी तक जो है वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के बारे में पढ़ा है। फिर हमने देखा है कि जो लेंजेज़ हैं वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है उनके अंदर, और उनसे जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। इसी तरह जो हमारे पास मिरर्स हैं, अगर हम कोई ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस बनाते हैं जिसमें मिरर्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो मिरर्स में चूंकि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है तो वो जो ऑप्टिकल डिवाइसेस जो मिरर से बनेंगी वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के ऊपर बेस कर रही होंगी। तो टेलीस्कोप भी हम दो तरह की हो सकती हैं। एक ऐसी टेलीस्कोप जिसके अंदर हम लेंजेज़ को यूज़ करेंगे, यानी रिफ्रैक्शन होगी जिसकी बेस पर इमेजेस फॉर्म होंगे, तो वो एक पहली तरह की टेलीस्कोप है। और जो दूसरी टेलीस्कोप है वो वाली टेलीस्कोप है जिसके अंदर हम लेंजेस के बजाय मिरर को यूज़ करेंगे। तो अब जो इमेज बनेगा वो रिफ्लेक्शन की बेस पर बन रहा होगा, चूँकि ये रिफ्लेक्शन की बेस पर बन रहा है इस वजह से ये एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगी। तो दो तरह की टेलीस्कोप हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हैं और एक रिफ्लेक्शन से बनने वाली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं। तो हम सबसे पहले हम रिफ्रैक्शंस वाली टेलीस्कोप को, जिसको रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कहेंगे, वो स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर हमारे पास बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह दो लेंजेज होते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो आई की तरफ होता है उसको आई पीस कहते हैं। तो ये एक डायग्राम बनी हुई है आपके पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। इसमें यहाँ से ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट एंटर होती है और यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी आई पीस इस साइड पर होगा और ऑब्जेक्टिव जो है वो इस साइड पर होगा। तो
अब हमारे पास ये दो लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीस लेंस है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है हमारी ज़मीन से, तो हम उसे सपोज करेंगे कि वो इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो इन्फिनिट डिस्टेंस से लाइट रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ रही हैं, और जो भी लाइट रेज जब इन्फिनिट डिस्टेंस से आ रही होती हैं लेंस से पास करने के बाद, वो उसके फोकल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हैं। तो ये बेसिकली इमेज कहाँ पर बनेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट यानी F0 के ऊपर बनेगा। अब ये जो ऑब्जेक्टिव से बनने वाला इमेज है, ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, जो कि I1 है। यहाँ पर I1 ऑब्जेक्टिव से इमेज बन रहा है, ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा किसके लिए? आईपीस लेंस के लिए। तो अब हमने इन दोनों को एडजस्ट इस तरह करना है कि जो I1 जो कि F0 के ऊपर बनेगा, तो जो आईपीस है उसका FE, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट हों, या ये जो F0 है वो थोड़ा सा FE से कम डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हो आईपीस लेंस से। तो अब ये चूंकि I0 एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा आईपीस के लिए, तो अब ये चूंकि आईपीस के फोकल पॉइंट के ऊपर या उससे थोड़ा सा अंदर करके पड़ा है, तो अब जो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा वो एक तो वर्चुअल होगा और अपराइट होगा और मैग्नीफाइड होगा, यानी साइज में बड़ा होगा। तो अब ऑब्जेक्टिव से बनने वाला इमेज I1 है, ये इन्वर्टेड है और रियल है, और आईपीस से बनने वाला इमेज I2 है, ये अपराइट है, वर्चुअल है और साइज में बड़ा है। तो अब हमारी आई जो है इस तरह एक बड़े ऑब्जेक्ट को देख सकती है, जो कि बहुत ही इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर हमारी ज़मीन से मौजूद है। अब देखें, ऑब्जेक्टिव से बनने वाला इमेज I1 और आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर वर्क करने वाला I1, ये दोनों ऑलमोस्ट F0 और FE पॉइंट के ऊपर ही हैं, और F0 और FE पॉइंट ऑलमोस्ट एक जितने ही हैं। तो इन दोनों लेंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन जिसे आप कहेंगे, वो आपके पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस FO प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस FE के बराबर होगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, सेपरेशन होगी इन दो मिरर्स के दरमियान, वो क्या होगी? वो आपके सम ऑफ द फोकल लेंथ F0 और FE के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हमारी जो टेलीस्कोप होगी उसकी लेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लेंजेस की फोकल लेंथ के ऊपर। अगर हम ज़्यादा बड़ी फोकल लेंथ वाले लेंस यूज़ करेंगे तो हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो टेलीस्कोप का साइज़ है, जो कि लेंथ है, यानी ये चीज़, ये बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन अभी तो हम पहले मैग्निफिकेशन चेक करते हैं कि ये रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन लेते हैं, जो कि हमें पता है थीटा ओवर थीटा नॉट की रेशो होती है, और थीटा नॉट जो है ये एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव, एंड थीटा इज द एंगल सब्टेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द व्यूअर्स आइज। यानी जो थीटा नॉट है ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो एंगल सब्टेंड कर रहा है, और थीटा जो है वो व्यूअर्स आई के ऊपर फाइनल इमेज जो एंगल सब्टेंड कर रहा है ये उसका है। तो अगर हम इन दोनों की रेशो लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगी। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन देखते हैं। हम देखते हैं कि जो इमेज बन रहा है, ये आपके पास जो है वो ट्राइंगल आ जाएगी, ये वाली जो है आपके पास ट्राइंगल आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आपके पास जो इमेज बन रहा है वो इस पोजीशन पर बन रहा है, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गई, जिसमें एच प्राइम जो है वो उसकी हाइट है और एफ ई जो है उसकी बेस है। तो टेन थीटा नॉट जो है वो एच प्राइम ओवर एफ नॉट के इक्वल है। अब यहाँ पर माइनस साइन का मतलब ये है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। इसी तरह अब हम आई पीस के लिए जो है वो करेंगे। आई पीस के लिए जो आपके पास
एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगी वो भी थीटा ओवर थीटा नॉट की जो सॉरी टेन थीटा के इक्वल होगी, इसको हम टेन थीटा पहले निकालेंगे, और टेन थीटा आपके पास किसके इक्वल आएगा। अब इसके केस में अगर आप ये जो फाइनल इमेज है ये, अब जो इसकी जो हाइट है यानी ये ऑब्जेक्ट जो है और यहाँ से आने वाला, ये ऑलमोस्ट इनमें ये डिस्टेंस इतना कम है कि ये लाइट रे एक ही तरह की फील होगी। तो ये जो एंगल थीटा है इसको हम कह सकते हैं कि वो ये वाली ट्राइंगल बना रही है। तो एच प्राइम और एफ ई जो है, ये बेस एफ ई होगी और हाइट जो है वो एच प्राइम के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। तो ये रेशियो होगी टेन थीटा एच प्राइम ओवर एफ ई के। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन नहीं यूज़ किया क्योंकि जो इमेज फाइनल बन रहा है वो अपराइट है। अब थीटा भी हमारे पास आ गया और थीटा नाट भी आ गया, दोनों की वैल्यूज पुट करें तो ये एच प्राइम ओवर एफ ई, ये माइनस एच प्राइम ओवर एफ ई, एच प्राइम से एच प्राइम कट गया तो ये माइनस एफ नॉट ओवर एफ ई। तो यानी जो टेलीस्कोप की आपके पास जो टेलीस्कोप है उसकी जो आपके पास मैग्निफिकेशन होगी वो बेसिकली रेशियो होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ की और आईपीस की फोकल लेंथ की। और ये रेशियो जो है इसमें नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, जो फाइनल इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट से। तो अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो टेलीस्कोप की लेंथ जो होगी आपके पास, वो अगर हम रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो वो दोनों की फोकल लेंथ के सम के इक्वल होगी। तो अगर दोनों की फोकल लेंथ के सम के इक्वल है तो अगर हमने बहुत दूर का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो हमें अच्छी रिफ्रैक्शन के लिए लार्ज डायामीटर का जो है वो लेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो लेंस का साइज़ बड़ा हो जाएगा, जब लेंस का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो टेलीस्कोप है उसकी डायमेंशन लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बड़े लेंजेज, डायामीटर वाले लेंजेज को इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि हमें उनको होल्ड करना, यानी कि वो किस तरह से हम उनको सपोर्ट फ्राहम करेंगे, जब अगर लेंस का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो हमारे लिए एक मसला होगा, जिसकी वजह से सपोर्ट अगर हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो वो लेंस जो है वो सैगिंग करेगा, यानी वो एक साइड पर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो झुक सकता है। तो अगर हमने इस सैगिंग को ख़त्म करना है तो हमें वो सपोर्ट देनी पड़ेगी, और बड़े लेंजेस को सपोर्ट देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी दोनों साइडों पे, फ्रंट साइड और बैक साइड पर हम कोई सपोर्ट नहीं लगा सकते क्योंकि लाइट ने रिफ्रैक्ट होना है। तो इसका जो, इस डिफ़िकल्टी को हम कैसे रिमूव करेंगे, इस डिफ़िकल्टी को हम रिमूव करेंगे कि हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बजाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज़ करें, यानी हम मिरर्स को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ लेंजेस। अगर हम मिरर को यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि मिरर की एक साइड जो होती है वो उस वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होती, सिर्फ एक साइड जो शाइनी सरफेस होती है वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, तो उसकी वो साइड जो है वो फ्री होती है, तो उस साइड को हम सपोर्ट दे सकते हैं। इस तरह अगर हम मिरर को यूज़ करेंगे तो हमारे पास सपोर्ट देने के लिए एक साइड पूरी मौजूद होगी, चाहे मिरर जितना बड़ी मर्जी बड़ा हो जाए। तो इस तरीके से जो उसका सैगिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमने ला दूर के ऑब्जेक्ट्स जो हमसे बहुत दूर हैं हमारे प्लेनेट से, अगर हमने उनको देखना है तो फिर हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। चांद को और सूरज को देखने के लिए तो शायद हमारी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एनफ हो, लेकिन अगर इससे भी हमने दूर देखना है तो हमें क्या यूज़ करनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमारे पास एक मिरर होता है, ये देखें आपको एक मिरर नज़र आ रहा है, इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये मिरर है पैराबोलिक मिरर। लाइट जो है वो दूर ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये देखें ये लाइट रेज आ रही हैं, इस मिरर पर पड़ती हैं, मिरर पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं, चूंकि पैराबोलिक मिरर है वो किसी एक पॉइंट ए के ऊपर फोकस करेगा इन लाइट रेज को। अब उस फोकस पॉइंट से कुछ पहले हम एक और रिफ्लेक्टिंग मिरर जो कि फ्लैट है, पहला क्या हमने यूज किया पैराबोलिक मिरर, अब क्या हम यूज करेंगे, हम फ्लैट मिरर को यूज करेंगे।
अब उस फ्लैट मिरर को हम प्लेस कर देते हैं ऐसे एंगल में कि ये जो रिफ्लेक्ट होके लाइट पैराबोलिक मिरर से आ रही हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है और ये इस पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, फोकस करती हैं। उसके आगे हम एक लेंस यूज कर लेते हैं और वो लेंस जो है उस वहाँ से जो इमेज बनता है फिर वो हमारी आई के ऊपर जाकर इमेज बनता है, तो इस लेंस को हम आई पीस कहते हैं। तो अब जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होती हैं उसके हम इस जगह से हम उसको देखेंगे उस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, तो हम उसके बॉटम से नहीं देखेंगे, यानी यहाँ से लाइट एंटर होगी और यहाँ से नहीं देखेंगे हम, बल्कि हम यहाँ पर उसको देखेंगे। तो इस टाइप की जो टेलीस्कोप होती है ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहलाती है। अब सबसे पहले ये जो सेटअप है, ये जो फोकस है, ये न्यूटन ने इसको बनाया था इस डिज़ाइन को, तो इसलिए हम इसको न्यूटोनियन फोकस भी कहते हैं। और न्यूटन ने चूंकि डेवलप किया तो ये न्यूटोनियन फोकस वाली आपके पास टेलीस्कोप है। और इसमें जो मेन जो इमेज बन रहा है वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से बन रहा है, क्योंकि हम इसमें मिरर बन यूज़ कर रहे हैं। और एंड में जस्ट हमने एक आईपीस को यूज़ किया है जो इस मिरर को से जो बनने वाला इमेज है उसको फर्दर बड़ा करके हमें दिखा रहा है। तो अब इधर से हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं और इसका सैगिंग का इश्यू रिजॉल्व कर सकते हैं, और हम इस मिरर को का डायामीटर बड़े से बड़ा कर सकते हैं और सपोर्ट देना भी हमारे लिए आसान है, और इस तरह हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो देख सकते हैं। तो चूंकि आपकी बुक पब्लिश हुई है, बहुत पुराना एडिशन है, तो वैसे तो लेटेस्ट इस टाइम आजकल में बहुत बड़ी जो है वो टेलीस्कोप मौजूद हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वर्ल्ड के अंदर वो केक ऑब्जर्वेटरी है मोना के हवाई के अंदर, और इसके में जो टेलीस्कोप जो है उसके अंदर जो डायामीटर यूज़ हो रहा है उसका, वो डायामीटर है 10 मीटर। और अब ये 36 जो हेक्सागोनली शेप कंप्यूटर कंट्रोल मिरर्स के ऊपर बेस है, और ये 36 मिरर्स जो है आपस में मिलके एक बिग में जो है वो जो मिरर बनाते हैं पैराबोलिक, यानी कि इसको आप स्मॉल पार्ट्स में कर लें तो ये 36 पार्ट मिलके ये एक मिरर आपका बना रहे हैं। तो अब दो टेलीस्कोप्स इस तरह मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बनी हुई दो डिफरेंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को भी हम कंबाइन करके एक सिंगल टेलीस्कोप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम दोनों से मिलने वाले डेटा को सिंक्रोनाइज करके जो है वो इमेज लें। इस तरह हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, और इस तरह मल्टीपल स्पॉट, क्योंकि अगर आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है तो ये जो पैराबोलिक मिरर है इसका हर पॉइंट जो है वो इस टाइम एक मिरर के तौर पर, एक स्मॉल मिरर के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो अगर हमारे पास ये ज़मीन इस तरह है तो अगर एक पैराबोलिक टेलीस्कोप जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यहाँ पर है, एक 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 यहाँ यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो अगर हम इन मुख्तलिफ टेलीस्कोप से आने वाली जो डेटा है उसको कंप्यूटर के थ्रू सिंक्रोनाइज कर लें इन इंटरनेट को यूज़ करते हुए, जाके उन दोनों के बनने वाले डेटे में कोई डिले ना आए जो, तो फिर क्या है, हम इस पूरी अर्थ को जो है वो एज ए जो है एज ए टेलीस्कोप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये विस्कॉन्सन में 1 डायामीटर वाली टेलीस्कोप को यूज़ करते हुए, जो कि यार्किस ऑब्जर्वेटरी है विलियम्स बे विस्कॉन्सन के अंदर, तो उन्होंने इस HR8799 स्टार को जो है स्टडी किया, और इस स्टार के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स हैं जिनको उन्होंने B, C, D और ये एंड में E, ये E है, ये C है, ये D है और ये B है, इससे लेबल किया है, जो कि 2008 में देखे गए थे। तो इस तरह आप कह सकते हैं ये एक सोलर सिस्टम जिसका जो स्टार है सेंटर में वो HR8799 है, जिस तरह हमारा सन है जो सोलर सिस्टम के अंदर
और हमारे प्लैनेट्स अर्थ और बाकी दूसरे प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह ये एक स्टार है जिसका नाम है HR 8799, और इसके जो कि हमसे 129 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस के ऊपर ज़मीन से मौजूद है। इसको उन्होंने फोटोग्राफ किया है, तो सन जो है वो सेंटर में है और प्लैनेट जो है वो इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि केक ऑब्जर्वेटरी को यूज़ करते हुए जो है वो स्टडी किया गया है। ठीक है, तो ये तो था हमारा टेलीस्कोप का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।